हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आशा करते हैं काफी अच्छे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और गर्मी में आप हो सकता है कि एसी सर्च कर रहे हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप कौन सा ब्रांड का, कौन सा मॉडल का लें, कितना टन का लें, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जिससे लगभग आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी कि कौन सा ब्रांड का लें, कितना पावर का लें। तो बने रहिए वीडियो में, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए बार बार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको विंडो और स्प्लिट एसी के बारे काफी डिटेल से बताया गया था कि आपकी जरूरत के हिसाब से आप कौन सा लें। तो अगर स्प्लिट एसी आपकी जरूरत है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ब्रांड लें, तो फ्रेंड्स एक ब्रांड आपको दिखाने वाले हैं जो कि है वोल्टास। ये टाटा का ब्रांड है। तो मान के चलिए कम से कम 50% जो मार्केट शेयर है वो लगभग इसी ब्रांड ने कैप्चर कर रखा है एसी के सेक्टर में। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा होता है ये ब्रांड। सिर्फ आपको इसमें देखने लायक बात ये होती है कि आपके जो एरिया है उस एरिया में इसका सर्विस कैसा है। अगर सर्विस अच्छा है तो बिल्कुल आप आराम से इस ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, और अगर सर्विस आपका अगर उस टाइप का नहीं मिल रहा है उस एरिया में तो फिर आप दूसरे ब्रांड के बारे भी आपको बताएंगे जिसका सर्विस हो सकता है आपके एरिया में काफी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं वोल्टास का एसी है ये, जिसका इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है। तो फ्रेंड्स देखने वाली बात इसमें होती है, ज्यादातर आदमी यही देखते हैं कि 1.5 टन का एसी है या 1 टन का है या 2 टन का है, और उसके बाद स्टार रेटिंग देखते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स अब तो लगभग सभी इन्वर्टर एसी ही आते हैं, नॉर्मल अब आता नहीं है। तो अब तो इन्वर्टर का बात करना बेकार है क्योंकि सारे ही इन्वर्टर में ही आ रहे हैं। देख सकते हैं, अब आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जरूरी होता है हमें आउटडोर यूनिट, क्योंकि मेन काम इसी का होता है। इंडोर यूनिट का कोई खास काम होता नहीं है, सिर्फ ये हवा को हमें फेंकता है इसके द्वारा और हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट के द्वारा लेफ्ट राइट या फिर उसका स्पीड को। तो इसे हम अभी रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें हमें दो पाइप मिल जाता है जो कि कॉपर पाइप होता है, और एक पतला होता है और एक थोड़ा मोटा होता है। ये पतला पाइप है और ये थोड़ा मोटा है। तो फ्रेंड्स इसका काम क्या है इसे आपको बाद में बताएंगे। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेन कोड मिल जाता है हमें जो कि आउटडोर यूनिट के लिए है, और ये फ्रेंड्स हमारा इंडोर यूनिट है। तो फ्रेंड्स इंडोर यूनिट में देख सकते हैं एक डिस्प्ले के साथ हमें रिमोट मिल जाता है जिसमें पावर का प्लस फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए और भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, टर्बो, लैंप, हॉरिजॉन्टल स्विंग, वर्टिकल स्विंग, स्लीप, एनर्जी सेवर, टाइमर, टेम्परेचर और सेट और एडजस्ट और वाईफाई, इस तरह के फंक्शन हमें मिल जाते हैं रिमोट में। और कुछ स्क्रू मिल जाते हैं जो इसे वॉल माउंट करने में हमें काम आते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं कि इसका इंडोर यूनिट का लुक कैसा है। तो फ्रेंड्स इसका आप मॉडल देख सकते हैं, ये वोल्टास का RAC स्प्लिट AC है, टाइप में इसका हो गया, ब्रांड में ये वोल्टास है, मॉडल है 183V वेक्ट्रा प्राइम, 2024 का मॉडल है। और कूलिंग कैपेसिटी देख सकते हैं 4800 वाट है जो कि 50% में आपको 2400 वाट के लगभग है, और 975.26 यूनिट पर ईयर आपका कंज्यूम करेगा। तो लगभग 1000 यूनिट आपका ये एक साल में लेगा। तो आप अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 यूनिट में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक साल में, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हीट पंप वाला मॉडल ये नहीं है, एक हीट पंप वाला भी मॉडल आता है जिसे हॉट एंड कोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका लुक। और फ्रेंड्स इसमें डिस्प्ले आपका यहाँ पे आता है जो कि इसे ऑन करने के बाद हमें दिखाई देगा, अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें हमें एक जाली मिल जाता है जो कि डस्ट जितना भी होता है वो इसका जो कंप्रेसर है इसमें जाने से पहले इसमें फंस जाता है, तो जिसे हम लोग बाद में क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड जितना ज़्यादा आपका कंप्रेसर इसका क्लीन रहेगा, मतलब जाली इसका क्लीन रहेगा, आपको उतनी अच्छी ठंडक मिलेगी हमेशा। और पीछे में देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दोनों पाइप के लिए हैं, और ये वाटर आउटलेट के लिए जो नमी के कारण हमें एसी के द्वारा जो पानी प्रोड्यूस किया जाता है वो भी बाहर निकालने के लिए पाइप दिया जाता है, वो पाइप है ये। ये मेन कोड है फ्रेंड्स, प्लग इसमें नहीं दिया जाता है, प्लग अलग से लगाना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स बात कर ले इंडोर यूनिट का, तो कोई खास इसमें आपको वर्क इसका कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ इसका लेफ्ट राइट के लिए ही जो एयर थ्रो बनाता है यहाँ से सिर्फ उसी के लिए होता है। जो मेन काम रहता है फ्रेंड्स वो काम हमारा आउटडोर यूनिट का रहता है, इसी में हमारा जो मेन कंप्रेसर है वो लगा हुआ रहता है और बैक साइड से देख सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल क्या है कि जो इसमें कंडेंसर यूज किया जाता है कि एक पाइप रहता है ये, तो ये पाइप के साथ एक जाली टाइप का बनाया हुआ रहता है जिसके कारण ही हमारा जो कंप्रेसर है वो ठंडा हो पाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कॉपर का होने से काफ़ी अच्छा लाइफ होता है इसका, और एल्युमिनियम का भी आता है ये। तो फ्रेंड्स आप डिसाइड कर सकते हैं, कॉपर वाला आप अगर लेते हैं मॉडल, कॉपर वाले मॉडल में जाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, और हर एक कंपनी जो अपने स्टार्टिंग मॉडल निकालती है कम से कम रेट में उसमें कॉपर इस्तेमाल नहीं करती है। तो स्टार्टिंग मॉडल से आप एक मॉडल ऊपर का हमेशा परचेज करें, तो अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिसमें आपको कॉपर का कंडेंसर मिलेगा और उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि पावर सारे बताए गए हैं, तो कूलिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स इसका 4800 वाट है जो कि 50% में 2400 वाट होता है, और पावर इनपुट जो है वो 100% में 1615 वाट है और 50% में 580 वाट। R32 रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है और 100% कॉपर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ एक वार्निंग भी दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है यूनिट में जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे गैस भरी हो तो यूनिट ना चलाए, इससे कंप्रेसर यूनिट फट सकता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो यूनिट है उसे आपको बिना प्रॉपर इंस्टॉल किए नहीं ऑन करना रहता है, आप इसे ऑन तब कीजिए जब ये प्रॉपर जो इंजीनियर है वो आके आपको इंस्टॉल कर दिए हैं उसके बाद। और फ्रेंड्स जो भी इंजीनियर आपके यहाँ इंस्टॉल करने आए उनसे आप कम से कम एक बार शुरू में वैक्यूम करने के लिए जरूर बोलिए। वैक्यूम करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इसका जो स्पेस होता है जहाँ पे गैस भरी जाती है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, जिस कारण से सिर्फ गैस ही उसके अंदर होता है और भी कोई जो अनवांटेड पार्टिकल है वो सारे निकल जाते हैं, तो जिससे फ्रेंड्स आपका कंप्रेसर और यूनिट फटने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए एक बार आपको अपने कंप्रेसर को एक बार वैक्यूम जरूर करवा लेना चाहिए, तो ये आप बात जरूर ध्यान दीजिएगा इंस्टॉलेशन कराते समय। और फ्रेंड्स प्रीफर कीजिएगा कि आप ब्रांड का जो इंस्टॉलेशन है उसे उसी से कराएँ, आपको हो सकता है 2 दिन का समय ज़्यादा लगे लेकिन आप ब्रांड इंस्टॉलेशन पे ही जाएं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है इंस्टॉल करने का जिसे वो फॉलो करते हैं, और लोकल में अगर हो सकता है कि उससे अच्छा भी आपका इंस्टॉलर मिल जाए लोकल में, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको अच्छा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये एक 1.5 टन का AC है जो कि 12x10 तक के रूम में, 12x12 के रूम तक के लिए काफ़ी सफिशियंट होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रोडक्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये जो मॉडल है ये 1.5 टन का है वोल्टास का, और इसका प्राइस लगभग 32,000 से 33,000 रुपये के बीच में है, जो कि अभी सीजन में डेली चेंज होते रहता है प्राइसेस का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें वारंटी मिल जाती है 1 ईयर की कंप्लीट, और 10 ईयर की इसमें हमें कंप्रेसर में वारंटी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रोडक्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बार बार आपके लिए बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।